हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही से होंगे। चलिए, तो हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख महल हैं। ये कौन कौन से महल हैं और किस किसके द्वारा बनाए गए हैं और कहाँ पर ये स्थित हैं, उनके नाम देखेंगे। और ये मध्य प्रदेश के प्रमुख ये महल हैं, याद रखिएगा, इनको पढ़ने वाले हैं हम आज इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर, आशी एजुकेशनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर बात करें कि मध्य प्रदेश में जितने भी महल हैं उनके शायद ही अंतर राज्य में हो, मतलब सबसे अधिक कहाँ पर हैं, ये मध्य प्रदेश में ही महल हैं। और मध्य प्रदेश को महलों का राज्य भी कहा जाता है और सोयाबीन का प्रदेश भी कहा जाता है, सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है और हृदय प्रदेश भी कहते हैं। या देखिए, बहुत मध्य प्रदेश के बहुत ही नाम है, जिसको 1 नवंबर को इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 2000 में इसका पुनर्गठन हुआ था, याद रखिएगा। और इसका हृदय प्रदेश भी कहते हैं। चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। जहांगीर महल, जहांगीर महल ये कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। और जय विलास महल ये कहाँ पर है, जीवाजी, यानी कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है। जो जीवाजी राव ने इनका है, इनका महल है ये, जो सिंधिया जी थे उन्हीं का ये महल है। तो ये कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है। और बघेलन महल ये कहाँ पर है, ये रामनगर मंडला में है। अगला है राजा अमन महल, ये कहाँ है, अजयगढ़ पन्ना में स्थित है। इसी तरह से आप इसको याद करिएगा। अगला है इत्रदारका महल, ये कहाँ पर है, रायसेन में है। राजा रोहित महल कहाँ पर है, ये भी रायसेन में ही है। इनको आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना पेपर में, एग्जाम में। चलिए, तो अगले बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख है, इनको इनके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे। हम इस तरह से आगे डिस्कस करेंगे एक एक महल को, जो इंपोर्टेंट बातें हैं उनको सभी को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देखिए, अभी ये देख लीजिए कौन सा महल किस जगह है। तो यहाँ पर ये खरबूजा महल है, ये कहाँ पड़ रहा है, ये हमारे धार जिले में पड़ता है। और ये सतखंडा महल है, ये हमारे दतिया पड़ रहा है। नौखंडा महल है, ये हमारे चंदेरी में है। हिंडोला महल मांडू, जहाज महल ये मांडू, और रानी रूपमती का महल ये भी महल मांडू में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करते हैं। असरफी महल ये कहाँ हमारे, ये भी हमारे मांडू में है। नेक्स्ट महल की बात करें, रानी महल कहाँ पर है, रानी रूपमती महल कहाँ, ये मांडू में है। मदर महल कहाँ है, ये भी जबलपुर में। बादल महल रायसेन और ग्वालियर में है। हवा महल चंदेरी में है, याद रखिए हवा महल हमारे जयपुर में भी है, याद रखिए हवा महल हमारा कहाँ पर है, चंदेरी में है, जयपुर में। तो ये पिंक सिटी है। और ये गुजरी महल कौन सा है, ये हमारा ग्वालियर में है। रानी महल कहाँ है, रामनगर मंडला में स्थित है। चलिए, आप इनको जो प्रमुख हैं वो हम सभी महल को डिस्कस कर चुके हैं। अब इनको एक एक महल को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से महल किस जगह पाए जाते हैं, इनको आप याद रखिए। सबसे पहला आता है जहांगीर का महल, जहांगीर के नाम से सभी जानते हैं, ये इतिहास का महल है, बहुत पहले बना हुआ था। तो जहांगीर महल की बात करें तो यह जो जहांगीर महल है, ये वीर सिंह देव, जहांगीर महल वीर सिंह देव ने अपने परम मित्र बादशाह जहांगीर के लिए बनवाया था। उनके जो मित्र थे कौन से, वीर सिंह थे, इन्होंने अपने बनवाया था किसके लिए, जहांगीर जो बादशाह थे, बादशाह बन चुके थे, तो उनके जहांगीर जो हमारे हुमायूं के वंश में हैं, आते हैं मुगल वंश में, उनके ये जहांगीर थे, उनके बादशाह, तो ये जहांगीर के लिए यह बनवाया था। उनके मित्र ने बनवाया था, कौन से था, उनके मित्र वीर सिंह देव, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन बने हुए हैं, इसका निर्माण पूछे तो कब किया गया इसका निर्माण, 1518 में। और निर्माता कौन, यानी वही आपने बताया वीर सिंह देव, इन्होंने बनवाया। स्थान कहाँ है, ओरछा में, ये जहांगीर महल कहाँ पर है, ओरछा में है, याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश में तो है ही, तो मध्य प्रदेश पढ़ना तो मध्य प्रदेश ही होगा। अब अगला है, इसी पॉइंट की बात करते हैं उसमें, कि जहांगीर महल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थान है, यानी कि बहुत पुराना है, जो ओरछा में स्थित है। अगला पॉइंट है, ओरछा का जहांगीर महल 52 इमारतों से विशेष रूप से उल्लेखनीय, यानी कि इसमें कुल 52 इमारतें हैं,
इस महल में कुछ 52 इमारतें हैं, इंपोर्टेंट है याद रखिएगा। डिस्कस करते हैं अगला जो महल है हमारा जयविलास। जयविलास पैलेस के नाम से भी आपने सुना होगा, ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तो जयविलास महल कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। ग्वालियर स्थित है, भारत में है, मध्य प्रदेश में है। और कब बना ये 1874 में इसका संपन्न हुआ। इसका यदि आकार पूछ ले तो ये 12,40,771 फीट स्क्वायर में बना हुआ है। इसके जो डिजाइन करता थे यानी कि वास्तुकार थे कौन है? ये सर माइकल फिलोज। सर माइकल फिलोज याद रखिएगा, इंपोर्टेंट बनते हैं इनसे सवाल क्वेश्चन। तो जयजी राव थे, सिंधिया जी जैसा ने बताया, सिंधिया जी ग्वालियर की स्थापना किन्होंने की थी? हमारे सिंधिया जी की, जयजी राव ने की थी। और ये उनकी रियासत के महाराज थे, उन्होंने ही जयविलास पैलेस बनवाया, जयविलास महल बनवाया। और जयविलास महल ग्वालियर में सिंधिया जी राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं बल्कि एक भव्य संग्रहालय भी है। इसको एक संग्रहालय नाम भी दे दिया, याद रखिएगा, संग्रहालय नाम भी दे दिया है। इस महल के में कुल 35 कमरे हैं जैसे हमने बताया अभी। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो अगला जो महल है उसको देख लेते हैं। ये गुजरी महल, ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। याद रखिए गुजरी महल एक और हमारे हरियाणा में है, उनको हम बताएंगे अभी अभी बता देंगे आपको, पहले इसको पढ़ लेते हैं जो ग्वालियर में स्थित है। गुजरी महल तो है, तो ये क्या है? जो ग्वालियर दुर्ग के भूतल भाग में गुजरी महल है, ग्वालियर का जो किला है उसी में एक गुजरी महल है। अब गुजरी महल की बात करते हैं, ये गुजरी महल क्यों? क्योंकि जो राजा मानसिंह थे उन्होंने, उनकी जो पत्नी थी कौन सी? मृगनयनी। वो किस किस वंश थी? ये गुर्जर परिवार से थी। तो गुर्जर परिवार से थी इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उनकी जो प्रेम कथा चली उन्होंने गुर्जर के नाम से ही उस महल का नाम रख दिया गुर्जी महल। याद रखिए उनकी पत्नी जो थी मृगनयनी, उन्हीं के नाम पर उनका जो वंश चला था, उनका वंश जो था, वंश मतलब उनका जो जो जिस वंश की थी वो गुर्जर परिहार गुर्जर वंश की थी। तो गुर्जर महल से, गुर्जर से ही उनकी जाति से ही ये क्या रख दिया, गुर्जी महल नाम पड़ गया, याद रखिएगा। चलिए अगला है, ग्वालियर में स्थित गुर्जी महल भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है और इस महल का नाम गुर्जी महल पड़ा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, जो गुर्जी महल है तो 1922 में पुरातात्विक विभाग द्वारा इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। 1922 में क्वेश्चन बनता है, 1922 में यानी कि इस किले को, इस जो महल है गुजी महल है, इसे एक संग्रहालय के रूप में किस सन में बदल दिया गया था? तो 1922 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, जो गुजी महल है हमारे हरियाणा, जैसे हमने बताया था जो एक हरियाणा में और है, जो गुजी महल एक और हरियाणा में है, ये कौन किसने बनवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका, देखिए इन्होंने भी अपनी प्रेमिका से विवाह किया था, तो उन्हीं की याद में ये क्या बनाया था, एक गुजी से ही कन्या, गुजी की ही यानी उसकी वंश की जाति की एक कन्या थी उनके लिए ये बनवाया था, उनसे ही प्रेम प्रसंग का चल रहा था। तो ये महल जो कब बनाया था? 1354 ईस्वी में। देखिए जो हमारे ये महल बने हुए हैं तो, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध तो है ही प्रसिद्ध, लेकिन अधिक सबसे अधिक विख्यात कौन सा है? ये हमारे ये आगरा का जो ताजमहल है, ये प्रेम का ही निशान है, ये प्रेम की ही निशानी है, याद रखिए शाहजहां ने बनवाया था ये। तो ये हमारा, ये इसका जो जो गुर्जर महल जो हरियाणा वाला हिसार में बना हुआ है, हिसार में स्थित है, ये कहाँ बना है? ये हमारे हिसार में, हरियाणा क्षेत्र में, किस नाम से? ये भी हमारे गुर्जर महल के ही नाम से है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चंदेरी, चंदेरी दुर्ग के महल, यह किसने बनाया था? तो इसकी बात करें तो ये राजा कीर्तिपाल थे, इन्होंने बनवाया था, ये इन्होंने बनाया था, ये लखा महल तथा हवा महल और चंदेरी दुर्ग की शोभा है। यह अशोक नगर में स्थित है, याद रखिए चंदेरी जो है अशोक नगर में स्थित है ये चंदेरी, ठीक है ना। चलिए चंदेरी की जो दुर्ग है ये किसने बनवाया था? ये कीर्तिपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, मंडला के महल, मंडला के महल दो हैं, एक तो राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित है, मोती महल जो रामनगर के जंगलों में है, और दूसरा क्या नाम है? बघेलिन, जो मंडला में ही स्थित है, याद रखिए मंडला में ही स्थित है,
कौन सा? एक तो मोती महल के नाम से है और एक है बघेलन महल। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको आप, बस इसमें और कुछ बनता नहीं है, यही हमारे बनते हैं। तो ये एमपी पुलिस और पीएससी एमपीपीएससी के लिए स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं, आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलें। और नेक्स्ट है गुजरी महल। जैसे कि हम बता चुके हैं गुजरी महल के बारे में, पढ़ चुके हैं, वही है सब। किसने बनाया था? मानसिंह तोमर ने बनवाया था ये, राजा मानसिंह तोमर ने। अपनी प्रेसी की मैनेजर उनकी पत्नी है, उनके लिए ये बनवाया था। ये गुर्जर से संबंध रखती है, गुर्जर। अगला है मोती महल। मोती महल भी हमारे ग्वालियर में स्थित है। मोती महल ये तो ग्वालियर में स्थित है और एक खंडवा में स्थित है, खंडवा में। तो ये मध्य प्रदेश का एजी ऑफिस था। यहां पर क्या था? जो मोती महल है यहां पर मध्य प्रदेश का एजी ऑफिस था, आज भी वहां पर पहले था। पूरी बहुत ही सुंदर महल है, याद रखिएगा। अगला है बघेल महल, ये मंडला पढ़ चुके हैं अभी। नेक्स्ट है मदन महल। मदन महल कहाँ पर है? ये हमारे जबलपुर में है। और यहाँ पर ये विशिष्ट क्या है कि ये मदन शाह गौड़ राजा ने 1200 ईस्वी में निर्मित करवाया था। किसने करवाया था? ये मदन शाह है जो हमारे गौड़ों के राजा थे, उन्होंने निर्माण करवाया किसका? मदन महल का। नेक्स्ट महल पढ़ लेते हैं, खरबूजा महल। देखिए इसकी आकृति आप देख सकते हैं किस तरह से है, खरबूजा महल। तो ये कहाँ पर है? ये हमारे धार जिले में है। और ये धार के किले से निर्मित इस महल के ऊपर संपूर्ण नगर दिखाई देता है। यदि आप इस पर जाओगे ना तो पूरा नगर, ये धार पूरा नगर जहाँ पर ये बसा हुआ है वो तो पूरा नजर ये नगर ये देख सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, राजा रोहित का महल। तो ये कहाँ पर है? ये हमारे ये रायसेन जिले में है। और ये रायसेन दुर्ग में स्थित जो राजा राज बसंती द्वारा निर्मित हुआ था, ये रायसेन में ही किसके द्वारा बनाया था? राज बसंती के द्वारा ये निर्माण हुआ था रायसेन जिले में। किसका? राजा रोहित महल का। याद रखिएगा, राजा रोहित महल, रोहित महल यानी रायसेन, रायसेन यानी राज बसंती द्वारा बना हुआ था। इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है। तो नेक्स्ट जो महल है उसकी बात कर लेते हैं, ये है बादल महल। बादल महल भी हमारा कहाँ पर है? रायसेन में ही है। ये भी राजा बसंती के द्वारा ही बनाया हुआ था, राज जो रायसेन दुर्ग है वहीं पर इसका भी निर्माण हुआ था। तो सेम है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इत्रदार महल। इत्रदार महल ये हमारे कहाँ? ये भी हमारे रायसेन में ही है। देखिए रायसेन में कुल हमारे 3 महल हो चुके हैं। एक तो हमारा कौन सा है? एक तो इत्रदार महल है और एक हमारा है कौन सा? ये हमारा बादल महल है और एक हमारा है राजा रोहित का महल। इसी तरह से आप 3 महल हैं जो रायसेन जिले में स्थित हैं याद रख सकते हैं। अब अगला है हवा महल, जो कि हमारा जो मुंगावटी स्टेशन से 38 किलोमीटर दूर है। ये चंदेरी के किले के लिए किले में स्थित जैसे प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, हवा महल किसने बनवाया था? कीर्तिपाल राजा, राजा कीर्तिपाल थे, प्रतिहार वंश के थे, उन्होंने ही बनवाया था। चंदेली में स्थित है किला है, उसी में स्थित है हवा महल। नेक्स्ट है नौखंडा महल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे कहाँ पर है? ये भी हमारे कीर्तिपाल राजा द्वारा बनाए गए थे 11वीं शताब्दी में। और ये मुंगावटी स्टेशन से 38 किलोमीटर दूर ही है ये नौखंडा महल। नेक्स्ट बात करते हैं राजा राजा अमन महल। राजा अमन महल इसको भी हम शायद डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। अजयगढ़ ये कहाँ पर, ये किसने बना होता है? अजयगढ़ स्थित यानी कि पन्ना जिले में पड़ता है, जो अजयपाल द्वारा ये बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर राजा अमन महल रखा गया है। ये बहुत ही बारीक पत्थरों से यहाँ पर सजावट हुआ है इस महल का। चलिए तो अगला महल है हमारा जहांगीर महल। ये हमारे ओरछा में, इसको डिस्कस कर चुके हैं। जहांगीर महल ये किसने बनवाया था ये आप बता सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए इसे कहाँ बनाया था ये। अगला है अशरफी महल, जो कि हमारे कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। यह एक महल कटोरी की भांति बना हुआ है, एक कटोरी की भांति ये महल बना हुआ है और अफगानों की कलाकारों का भव्य नमूना है। यानी कि अफगान जो हैं, अफगानियों की जो कला होती है, अफगानिस्तान वाली की जो कला होती है, उन्हीं के आधार पर ये नमूना बनाया गया है कि ये किस कटोरी की भांति है। याद रखिए क्वेश्चन बनता है कटोरी की भांति दिखाई देने वाला महल कौन सा है, तो अशरफी महल हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है।
इस तरह से है, देख सकते हैं आप। अगला है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, दाई का महल। ये कहां पर है? ये हमारे मांडू में स्थित है। महत्वपूर्ण कलाकृतियों हेतु चर्चित है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कलाएं हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। दाई के महल कहाँ पर है? मांडू में स्थित है। अगला है रानी रूपमती का महल, ये भी हम बता चुके हैं। ये कहाँ पर है? ये हमारे मांडू में स्थित है। और ये बाज बहादुर की ऐसी प्रेसी रानी रूपमती इस महल की पवित्र नर्मदा के दर्शन करती है। याद रखिए, इंपोर्टेंट है ये। इस तरह से ये बस इतने काफी है इसको कि आप इनको याद रखिए कहाँ पर ये मांडू में स्थित है, मांडू में। तो नेक्स्ट है, ये पढ़ चुके हैं, राजा राम राजा मंदिर। ये भी कहां पर है? ये हमारे ओरछा में है। ये हमारे ओरछा में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनाया था? ये राजा वीर सिंह के द्वारा, जो देव थे उनके द्वारा ये निर्माण हुआ था। किसका? राजा राम मंदिर का। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका फिगर है यहाँ पर दर्शाया हुआ है। देख सकते हैं आप ये कितना प्रकार का, कितना अच्छा बना है जो राजा राम मंदिर है। अब है मोती महल, ये मंडला में पड़ता है। ये भी हमारे, एक ग्वालियर में पड़ता है मोती महल, एक हमारे मंडला में पड़ता है। तो इसकी कुल क्या है? यहाँ पर ये बघेले महल के पश्चिम में 3 किलोमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बघेले महल के, क्वेश्चन आएगा बघेले महल के पश्चिम में 3 किलोमीटर दूर स्थित है, कौन सा है? तो ये हमारा मोती महल है। मोती महल कौन सा है? मोती महल कहाँ पर? मंडला में स्थित है। तो आज के हमारे जो कुछ महल थे, प्रमुख थे, वो हमारे यहीं पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।